हेलो फ्रेंड्स, लास्ट मिनट रिवीजन लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने हाईवे इंजीनियरिंग की। आज का टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे हम बात करेंगे अपने अनइवननेस इंडेक्स की और रफनेस इंडेक्स की। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर, अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है? कि जब भी आपके रोड में सडन राइज और फॉल की कंडीशन क्रिएट होती है, तो उस टर्म को बोला जाता है अनइवननेस इंडेक्स या रफनेस इंडेक्स बोला जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की, तो रफनेस इंडेक्स और अनइवननेस इंडेक्स को मेजर किया जाता है आपके पास एमएम पर किलोमीटर्स में। किसमें मेजर किया जाता है? एमएम पर किलोमीटर्स में किया जाता है। और इसके लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, उस डिवाइस का नाम है आपके पास बम्प इंडिकेटर्स। क्लियर है? यानी कि किसी भी रोड की अगर आप अनइवननेस को चेक कर रहे हैं, तो उसको मेजर किया जाता है आपका बम्प इंडिकेटर्स के थ्रू। इसी बम्प इंडिकेटर को हम यहाँ पे रफ मीटर भी बोलते हैं। और ये किस तरह का डिवाइस होता है? ये आपके पास ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर, इस डिवाइस को किसने डेवलप्ड किया था? इस डिवाइस को डेवलप्ड किया गया था आपके CRRI ने, इनकी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। कब किया था सर? ये किया था राउंड ऑफ 1950 के दौरान किया गया था। अब इसकी कुछ वैल्यू है अकॉर्डिंग टू IRC कोड के मुताबिक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो सबसे पहला जो आपके पास टेबल है वो अनइवननेस इंडेक्स का है, और दूसरा है कि वहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ व्हीकल कितनी रहने वाली है, और आपका पेमेंट सरफेस वहाँ पे किस टाइप का रहेगा। क्लियर है? अगर हमारे पास अनइवननेस इंडेक्स 0 से 1500 mm पर किलोमीटर्स के बीच में है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ व्हीकल कितनी हो सकती है? हाई हो सकती है। और आपका जो पेमेंट सरफेस होगा वो कैसा होगा सर? गुड होगा। बट जब हम बात करते हैं अपने अनइवननेस इंडेक्स की 1500 से 2500 के बीच की रेंज में, तो उस कंडीशन में आपकी स्पीड ऑफ व्हीकल कैसी होगी सर? 100 kmph होगी। जब 100 kmph में होगी, तो वहां पे पेमेंट सरफेस किस तरह का होगा आपके पास? सेटिस्फैक्टरी होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम तब कि जब आपकी वैल्यू 2500 से 3200 के बीच की रेंज में होगी, तो आपकी जो स्पीड ऑफ व्हीकल होगी वो आपकी 80 kmph होगी। और जब स्पीड ऑफ व्हीकल आपकी 80 kmph होगी, तो आपका जो पेमेंट सरफेस होगा वो बैड होगा। और जब पेमेंट सरफेस आपको बैड होगा, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? रिपेयरिंग करनी पड़ेगी आपके रोड के कंस्ट्रक्शन की। क्लियर है? उसके बाद आता है कि अगर आपके पास अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 3200 हो जाती है, यानी कि 3200 से ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी जो स्पीड ऑफ व्हीकल्स रहती है वो बहुत कम रहती है, राउंड ऑफ 40 to 50 के बीच में रहती है। और उस समय जो आपके पेमेंट सरफेस का जो क्राइटेरिया बन जाता है वो अनकम्फर्टेबल बन जाता है। और जब आपका सरफेस अनकम्फर्टेबल बन जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है? दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना होता है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जब आपका अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू 2500 से 3200 के बीच में है, तो उस कंडीशन में जो हमारा पेमेंट सरफेस रहता है वो बेड रहता है। और जब बेड रहता है, तो हमें उसकी क्या करनी पड़ती है सर? रिपेयरिंग करनी पड़ती है। और जब वो वैल्यूज 3200 से एक्सीड कर जाती है, तो उस कंडीशन में हमें दोबारा से पूरा रोड क्या करना होता है? रिकंस्ट्रक्शन करना होता है। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि सर, ये अनइवननेस वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट किया जाता है आपको BI से। तो BI जो यहाँ पे आपके पास होता है कि BI इज इक्वल टू 630 इज IRI। IRI क्या है आपके पास? इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स वैल्यू है, एट की पावर 1.12। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? अपना बम्प इंडिकेटर्स निकाल सकते हैं। एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अब नेक्स्ट डे। ओके गाइज, थैंक यू।